नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बरेली के ग्राम मेहरा गांव कला में झगड़े में पिता ने ली पुत्र की जान। बरेली के पास ग्राम मेहरा कला गांव में 3 जुलाई की बीती रात को हुए पिता पुत्र के झगड़े में पुत्र की जान चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णा रजक उम्र लगभग 22 वर्ष, पुत्र का नाम पिता हल्के रजक उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है। दोनों के बीच झगड़े का कारण 5 क्विंटल गेहूं और 5000 रुपए के लेन देन को लेकर पिता और पुत्र में विवाद चला रहा था। रात में विवाद इतना गंभीर रूप ले लेगा ये किसी को भी पता नहीं था। रात में विवाद इतना गंभीर हो गया कि नौबत मारपीट तक आ गई और दोनों में मारपीट होने लगी। पिता ने पुत्र के सिर में डंडे से प्रहार किया। घायल पुत्र को सिविल अस्पताल बरेली ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा घायल को मृत घोषित कर दिया। वहीं देर रात होने के कारण शव का स्वभाव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और बरेली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। रायसेन से ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। आपका पूरन सिंह रजक, कहाँ रहते हैं आप? मेहरा गांव कला। कल आपके मेहरा गांव में कोई घटना घटी, क्या घटना है और क्या मामला है पूरा? जी सर, सर मेरा भतीजा था, हल्के वीर का बालक था जी। उसने सर जी वो पुराना विवाद था इनका, जो पिसी दई थी उसने पिताजी को 5 क्विंटल पिसी 5000 रुपया। पिताजी से बोला कि या तो मुझे आप भोजन दो खाने के लिए और नहीं तो मेरी पिसी आप मुझे वापस दो, मैं दादा बहू को दूंगा और उन वो ही मुझे खाने के लिए। कब दी थी ये पिसी? ये सर जी अभी कम से कम तो 20 रोज हुए हैं, 15-20 रोज हुए हैं। वो दादा बाबू के पास खाता था, उनके पास रहता था जी। वो कहे नहीं हमारे पास कोई पीसी नहीं है, वो तुम्हें तो कुछ तुझे करना है वो तू कर, नहीं कि यहाँ वो तुम वो मुझे आप पीसी दो और पैसा दो मैं उन्हीं को दूंगा। इस पे सारे उन दोनों की इधर लड़ाई हो गई। पिताजी ने आनकर उसके 2-3 लठ दिए। क्या कुछ नशे वशे में थे कल दोनों? हाँ सर जी, हो भी सकता है, लगता तो ऐसा ही था कि मानकर थोड़े मुझके नशे में हूँ दोनों जी। जी सर, फिर क्या होगा सर जी? काय से मारा? क्या लठ से मारा सर जी? कहाँ लग गया है ऐसा लठ? सर पे लगा सर। तो उसके बाद हॉस्पिटल ले गए? हाँ जी, हॉस्पिटल ले गए सर। फिर डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने जाने बोला कि सर जी ख़त्म हो गए। विवाद का कारण सिर्फ यही बता रहे हैं कि गेहूं वाला। जी, गेहूं और पैसा थे सर। कितने पैसे थे? 5000 रुपया सर। और गेहूँ कितने थे? 5 क्विंटल। कल किस बात पे से विवाद उपजा? जी इसी बात पे से सर। किस वजह से? जी पिसी वाले फेस और पैसा वाले फेस। मतलब लड़के ने कहा कि पिताजी मुझे मेरे पैसे दे दो। जी, तो पिताजी ने क्या कहा? नहीं मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, ना मेरे पास पिसी है ना मेरे पास पैसा है। और इसी बात फिर से विवाद? जी इसी बात पे। कहाँ रहती हो आप? मैं। कल क्या घटना हुई आपके घर में? साहब मैं तो मेजबानी को गई थी, वो तो घटना मिली है भाई जी। क्या पहले आगे पीछे इनकी जाए किसी पैसा हो थी ना, तो वो खाने को क्यों नहीं देते? किस कौन नहीं देता था खाने को? बाप देखे से उनकी दो ही बाप बेटों की लड़ाई चलत थी हर दिन। हाँ। फिरती देना मैं साहब चली गई, 2 दिन के मध्य मेरी बहन की तबीयत खराब थी, मैं वहाँ चली गई। जब घटना हो गई तो एक बाद आ जाऊँ। अब पोता था आपका? वो मेरा नाती था। नाती लड़का का लड़का। तो आप मेरे सामने घटना नहीं हुई साहब, मौत घटना भाई बिल्ली मानो पीसी पैसा और पीसी पैसा पैसा हर दिन लड़ाई होती थी। कितने दिन? दो ही बाप बेटे। कितने दिन से हो रही थी लड़ाई? क्या लड़ाई तो साहब दिन की महीना से ज्यादा हो रही थी। महीना से ज्यादा? हाँ। क्या पीसी, कितनी पीसी और कितने पैसे का मामला था? 5 बोरा बान पीसी दई। हाँ। और 5000 रुपया था। तो कहला मो खाने को क्यों नहीं देते? मैं आज ही कब तक खाऊंगा?